बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। मैं हूं शिवानी। मैं हूं कुनाल। वेलकम गाइस हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है रिएक्शन वाला कपल। तो गाइस आज की वीडियो है इस्लामिक बयान चैनल से और वीडियो का टॉपिक है अमेरिका का एक बॉडी बिल्डर जिसको बॉडी कैंसर ब्लड कैंसर हो गया भाई, मुफ्ती तारिक मसूद। तो ये काफ़ी शॉकिंग चीज़ें हैं कि बॉडी बिल्डर होने के बाद ब्लड कैंसर हो जाना। अभी हाल फिलहाल शायद आप लोगों ने सुना होगा सिद्धार्थ शुक्ला जो बिग बॉस 13 का फिर विनर रह चुका है, सेम वो भी काफ़ी फिट रहता था और वेजिटेरियन था और उसकी भी अचानक से ही डेथ हो गई। हालांकि इसमें तो देखो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि दारू पीता था नहीं पीता था, सिगरेट पीता था नहीं पीता था, इन चीज़ों का ज़्यादा सवाल है। और जहाँ तक मेरे को याद है ना, मैंने जहाँ तक बिग बॉस देखा था वो लोग सिगरेट विगरेट बहुत ज़्यादा पीते थे। सिगरेट पीते थे? हाँ, उनका एक रूम बना हुआ था सिगरेट रूम, वहाँ वो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते थे। तो वहाँ से सिद्धार्थ शुक्ला भी जाते थे सिगरेट पीने वीने। तो अब पता नहीं है क्या क्या कॉज है क्या नहीं है, मे बी अभी पोस्टमार्टम होगा तो धीरे धीरे एक दो दिन में सारी चीज़ें पता लगेंगी। बट फिट से फिट बंदे भी एक जा रहे हैं दुनिया से, तो कल का किसको नहीं पता, कल आज हम हैं कल हम हो ना हो किसी को कुछ नहीं पता। तो मुफ्ती साहब के वीडियो है और आपको बता देंगे, मुफ्ती तारिक मसूद साहब का आपका साहब का अपना खुद का चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस करके है, आप चाहो तो उनको सब्सक्राइब कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया कि तुम्हारे पास डराने वाला भी आया था, तो उलमा ने लिखा ये डराने वालों में सबसे पहले कौन है? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि ये इल्म उन्हीं के पास है। तो हमारे पास पैगंबर की दावत भी पहुंची है, लिहाजा क़यामत में अल्लाह पूछेगा कि पैगंबर की दावत उलमा के ज़रिए किताबों के ज़रिए तुम तक पहुँची थी, तो तुम इसे देख के डरे क्यों नहीं और तुमने जहन्नम से बचने की कोशिश क्यों नहीं की? दूसरा डराने वाला कौन है? उलमा ने लिखा और बहुत सारी चीज़ें, अचानक हादसात, ये भी इंसान को क्या करते हैं, क्योंकि इंसान जब दुनिया में गाफिल होता है ना, मस्त होता है, तो फिर वो आखिरत को भूल जाता है। तो अल्लाह ताला ऐसी चीज़ें दिखाते रहते हैं जिससे इंसान का ज़मीर हरकत में आए। मैं परसों तरसों यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, उसमें एक वीडियो थी, उसमें बताया कि अमरीका में एक बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर जिसने पता नहीं कितने इनाम जीते मुकाबलों में, और एक दिन वो रिंग में आया और उसने फिर बताया कि मुझे कैसी खतरनाक, हाँ उसको ब्लड कैंसर था। अब आप बताओ उसने अमेरिका के बिल्डर हमारे बिल्डरों की तरह, हमारे तो जिस दिन चार अंडे खा ले तो समझते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े, हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, चार अंडे खाए हमने, तो यही होता है ना। तो वो लोग तो चूंकि, और ये हमारी खूबी है क्योंकि हमारे पास दुनिया में और भी काम है। मैंने किसी बिल्डर से पूछा, मैंने कहा यार अमेरिका के इतने बड़े बड़े बिल्डर होते हैं पाकिस्तानी, उन्होंने कहा पाकिस्तानियों के पास बॉडी को बिल्ड करने के अलावा और भी गम है, रमजान भी है, हज भी है, उमरा भी है, अब्बा की खिदमत भी है, अम्मी की खिदमत भी है, बीवी का ख्याल भी है, बच्चों का ख्याल भी है, गोरों के पास करने धरने का कोई काम है ही नहीं, तो जो बिल्डर है वो बिल्डर ही है, उसके बाप भी बॉडी बिल्डिंग, उसकी माँ भी क्या है बॉडी बिल्डिंग, यानी वही सब कुछ है, उसका खुदा भी वही, उसका रमजान भी वही, उसका हज भी वही, उसको हज का सवाब भी बॉडी बिल्डिंग में मिलेगा, जब उमरा करना चाहेगा तो और थोड़ा सा वेट उठा लेगा, सही है ना। तो वो कह रहे हैं वो 24 घंटे उन लोगों का काम यही होता है कि जब कोई हदफ ही नहीं है ना सामने, तो हदफ ये कि मैंने अपनी बॉडी को बिल्ड करके दुनिया का चैंपियन बनना है, तो अब वो सुबह घुसेगा जिम में, फिर पुलिस आएगी उसको निकालने के लिए, बाहर आ जा भाई बहुत हो गई, ठीक है ना। फिर जब वो सोते हैं, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग बिल्डर को सोना ज़्यादा पड़ता है, तो घोड़े बेच के सोते हैं, फजर जोहर असर मगरिब इशा का कोई परवाह नहीं, उनको डॉक्टर ने बताया था इतनी देर तुमने एक्सरसाइज की है तो अब इतनी देर सो जाता है। हम सोएंगे, अब्बा आगे एक लात मार के उठाएंगे, उठ बे तुझे मैंने अंडे लेने भेजा था, क्या कर रहा है तू, क्या ख्याल है भाई, तो अब जन्नत भी है ना, अब जहन्नम भी है, तो हम उठेंगे, अब्बा क्या क्या मसला है, अंग्रेजों के अब्बा बब्बा की टेंशन उन्होंने पाली भी नहीं है, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं ये टेंशन में, तो वो सोते हैं, तो सोते हैं, जब खाने पर आते हैं डॉक्टर बताते हैं भाई आपको इतने प्रोटीन लेने हैं या इतनी कैलोरीज लेनी है, तो वो गवर्नमेंट से मंजूर करा लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी कहती है भाई कुछ लोग
मुल्क का नाम इस लिहाज से ऊंचा करें तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से उनके बकरे मंजूर होते हैं, फिर वो गवर्नमेंट उनको वो फिर खा रहे हैं, फिर बकरे खा रहे हैं, हम खाएंगे बकरे तो बच्चों को क्या खिलाएंगे भाई। तो वो पाकिस्तानी बिल्डर थे, उन्होंने कहा भाई हमारे साथ मसाइल हैं, उनके पास दुनिया में इसके अलावा कोई गम है ही नहीं, लिहाजा वो भैया ही। तो मैं ये कह रहा था देखो अमेरिका का इतना बड़ा बिल्डर जिसके पास इसके अलावा कोई गम नहीं, उसने सेहत का किस कदर ख्याल किया होगा, जिसका हदफ और जिसकी कामयाबी क्या है, वो कामयाबी इसी चीज को, उसकी जन्नत भी यही, उसका हज भी यही, उसका उम्रा भी यही, तो सब कुछ यही है, तो उसने कितनी स्ट्रगल की होगी, वैक्सीनेशन भी कर चल रही होगी, हर तरह के हिफाजती टीके भी लग रहे होंगे, सारी वैक्सीनेशन भी मुकम्मल, और हर वक्त डॉक्टर आके चेकअप भी करते हैं उनको, तो फ्री गवर्नमेंट जब देखते हैं ना गवर्नमेंट कोई इस शोबे से मुखलिस, तो गवर्नमेंट खुद उनको फिर जो है वो इस प्रमोट करती है, तो सारी चीज़ें मिल रही हैं, मगर वो कितनी ख़तरनाक बीमारी, ब्लड कैंसर। तो ये भी नज़ीर है, अल्लाह आखिरत में पूछेंगे तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया, ऐसे ऐसे क्लिप यूट्यूब से तुम्हारी नज़र से नहीं गुजरे, अपनी आंखों से नहीं देखा, वो इतना बड़ा आदमी जा रहा था और ट्रक को चल के चला गया, वो डॉक्टर बना था और जिस दिन डिग्री मिली थी उसी दिन हार्ट अटैक हो गया, ये हो गया वो, ये हादसात होते रहेंगे होते रहेंगे, जो हम में से हर शख्स को डराते रहेंगे। और उलमा ने कहा कि इंसान के बालों का सफ़ेद हो जाना, सफ़ेद होना शुरू हो जाना, ये भी क्या है, नज़ीर है जो आपको डरा रहा है। जब तक इंसान जवान होता है बाल काले, जिस दिन आपकी दाढ़ी या सर का पहला बाल सफ़ेद हो गया तो समझ लो कि अब रिवर्स गियर लगना शुरू नहीं आ रही बात। देखो जब बच्चा होता है ना तो बाल उसके कमज़ोर होते हैं, हड्डियां कमज़ोर, कद छोटा, तो वो बढ़ना शुरू होता है, अभी वो आगे जा रहा है, ठीक है ना, बाल घने होना शुरू होते हैं, तभी जवानी में एकदम पफे वफे निकालना शुरू कर देता है, फिर वो उससे पहले बचपन में पफ निकलती नहीं है, इतने छोटे बाल होते हैं या ऐसे हल्के होते हैं, होते होते एकदम फिर जवान बनता है, सेहत हो गई भाई, वो कलाई किसी की पकड़ ले तो छुड़वा नहीं सकता आदमी, आवाज़ में दम, चाल में दम, ये चार शादियों का शौक, ये सारी चीज़ें जो है ना उसको आहिस्ता आहिस्ता, हमारे तलबा है ना वो, मैं कभी उनके मजाक में चार चार शादी की बात करता हूँ, वो सबक छोड़ के किताबें बंद करके एकदम बैठ जाते हैं ऐसे सुनने के लिए जो सो भी रहा होता है ना, मैंने देखा एकदम जाग जाता है। तो एक दफा मैं कहीं किसी आलिम के पास था, बड़े आलिम है कराची के, पुरानी बात है 10-12 साल, तो वो जवान थे, तो वो क्या हुआ कि उन्होंने मुझसे कहा कि यार ये जरा मुझे भी शादीवादी समझाओ तो मैंने इनसे गपशप शुरू कर दी और दलाइल देना शुरू कर दिए। एक बूढ़े आलिम बैठे हुए थे, वो बार बार मेरी बात काट रहे थे और मुझे बोलने नहीं दे रहे थे, मैं फिर उनके एहतराम में चुप हो जाता, वो कह रहे थे नहीं ये गलत है, नहीं ये क्या है गलत है, नहीं इसके ये नुकसान, बिल्कुल सफ़ेद रीश बूढ़े ना, बार बार ये गलत है ये गलत है ये गलत है, नहीं ये, मैं जितने दलाइल दे रहा हूँ वो मान ही नहीं रहे, जिद पे एक तरह से लग रहा था जिद कर रहे हैं। अब मैं फिर चुप होना पड़ता, मैंने कहा बुजुर्ग हैं, तो वो जो दरमियान में जो जवान आलिम थे ना, उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये बूढ़े हैं इनकी समझ में नहीं आएगा, उन्होंने बोला अभी तुम्हारी उम्र कम है, तुम्हें जितने इसके खिलाफ दलाइल दिए जाए ना तुम उन सबका जवाब दे दोगे, और इनको इनको जितने इसके हक में दलाइल दिए जाएंगे ये सबके दलाइल का क्या करेंगे, क्योंकि ये बेचारे अब आराम से अमन शांति के साथ बैठे हुए, इनको ये शादी के लफ्ज से भी क्या होगी तकलीफ। तो वो मैं तलबा से जैसी बात करता हूँ ना एकदम क्या हो जाते हैं, ये बात कहाँ से आ गई फिर शादियाँ वादी, फिर क्या मौजू क्या चल रहा, बस ये समेट रहा हूँ मौजू ख़त्म कर रहा हूँ, हाँ सफ़ेद बाल, तो जवान जैसे जैसे हो रहा है ना, तो जैसे जैसे भी जवानी की दहलीज की तरफ जा रहा है, 12-10 साल का हो गया, 12 साल का हो गया, 13-14-15-16 हो, एकदम जवानी की उमंगे, तो फिर मेरी किताबें भी तलाश करेगा, मेरे यूट्यूब पे खास ये वाले बयान के शॉर्ट क्लिप सुनेगा, ठीक है ना, शादियों पे बयान, और कहेगा 4 कम है इस्लाम में, 8 होनी चाहिए, इस तरह की बातें, अभी उमंगे क्या हो रही हैं, फिर स्टाइल चेन व्हीलियाँ लगा रहा है जनाब, कारों की रेसिंग कर रहा है, दुनिया में घूमने का शौक, मैं जापान चला जाऊं, मैं यहाँ, हमारे एक रिश्तेदार हैं अभी, उनकी बहुत दुनिया में घूमे हैं, बहुत सैर की उन्होंने दुनिया की, अब वो उम्र उनकी ज़्यादा हो गई, तो मैं उनके एक दफ़ा घर मिलने के लिए गया, तो उन्होंने कहा कुरान में जो आता है ना हम सबको जमा कर लेंगे समेट लेंगे, तो मुझे
कह रहे मैं पूरी दुनिया में फैल फैल के अब आखिर मैं इस कमरे में आ गया। तो ये भी मुझे बड़ा लगता था कि उन्होंने कहा मुझे वॉशरूम इतना चल के जाना पड़ता है, तो उससे छोटा कमरा मैंने लिया ताकि वॉशरूम में, कह रहे पहले अमरीका जाना आसान था, अब वॉशरूम तक जाना क्या हो गया है, अब दिल चाह रहा है वॉशरूम और बिस्तर के क्या हो जाए करीब। तो ये हाल हो, और हकीकत क्या, मजीद बुढ़ापा आएगा तो दिल चाहेगा कि वॉशरूम कोई पैंपर लगा दे बस, यही होता है ना भाई, यहीं लेटे रहे, हमें कोई यहां से उठाए नहीं। तो रिवर्स होना, तो ये रिवर्स की इब्तिदा कहां से शुरू होती है, जब पहला बाल क्या होता है सफेद, अब ये इसकी अलामत है बाबू बेटा अब रिवर्स होना शुरू हो गए हो, वो बहुत मजे हो गए, अब जितना कोशिश कर लो इस सफेद को काला करने की, किसी का बाप भी काला नहीं कर सकता। लोग पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं, खा रहे हैं, नहीं हो सकते। अब ये कोशिश करो कि दूसरा जरा लेट सफेद हो, एक तो हो गया, इसने ये इंडिकेटर दे दिया कि अब दूसरा भी सफेद होने वाला है, तो अब बहुत अच्छी खुराक खा लो या सेहत की हिफाजत कर लो तो दूसरा थोड़ा सा 2 महीने बाद हो जाएगा, वरना अगले दिन होने वाला था वो, लेकिन होगा जरूर। अब फिर 2 को रोगे तो ये सोच के सबर किया करो, अभी 2 हैं, अगले साल 25 बाल सफेद होंगे आपके, और 25 के बाद फिर जो स्पीड होती है ना, और फिर आप इसको नहीं अफसोस करोगे कि यार सफेद क्यों हो रहे हैं, आपका सफेद थे मगर थे तो सफेद थे मगर थे तो अब तो उसको काला कोला ही लगा लिया करते, तो काला कोला लगाने के लिए कोई चीज है ही नहीं। सही क्या ख्याल है, और फिर बालों को रो रहे हो गए थोड़े दिनों में, कमर झुकना, फिर कमर के मसाइल, ये वाला पेन हो रहा है, फिर ये वाला पेन हो रहा है, वो एक भाई जो बूढ़े हजरात बैठे, इनकी किसी की इहानत मकसद नहीं है, वो ये ना समझे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना मिन इजलालिल्लाहि इकरामे दिशीबिल मुस्लिम, अल्लाह की ताजीम में है किसी बूढ़े का इकराम करना। तो मैं जो आपके सामने नक्शा खींच रहा हूँ सिर्फ इबरत दिलाने के लिए, हम सब के साथ ऐसा होने वाला है, हम सब के साथ क्या होने वाला है, सबके साथ ऐसा होने वाला है। तो आज हम बूढ़ों की जो हालत देख रहे हैं, कल सब हमारे साथ ही हो। तो हमारे मेरे वालिद साहब एक वाक्य सुनाया करते थे, भाई एक बूढ़ा आदमी गया हकीम साहब के पास ना, तो कैसे बीमारियां इंसान पे हमला करती हैं ये समझाने के लिए, हकीम साहब के पास गया, कहने लगे हकीम साहब मुझे खांसी बहुत होती है। हकीम साहब ने कहा बुढ़ापा है। हकीम साहब ने क्या कहा? बुढ़ापा है, खांसी तो होगी। उसने कहा हकीम साहब वो घुटनों में भी दर्द रहने लगा है। हकीम ने कहा बुढ़ापा है, सही है, घुटनों में दर्द तो होगा, अभी इस उम्र में थोड़ी ठीक होगा घुटनों का दर्द। हकीम साहब मेरी कमर में भी कुछ मसला रहता है। हकीम साहब ने कहा बुढ़ापा है। तो वो हकीम साहब अब सीढ़ियां जरा सी चढ़ता हूं तो सांस फूलने लगता है। हकीम साहब ने कहा बुढ़ापा है। अब उस बूढ़े आदमी को गुस्सा आ गया। उसने कहा यार क्या मसला है यार, हर चीज में बुढ़ापा है, बुढ़ापा कोई दवा तो दे नहीं रहे। जब इसको गुस्सा आया ना तो हकीम साहब ने कहा ये भी बुढ़ापा है। इतनी जल्दी आप क्या हो गए, गुस्सा आपको आ गया, ये भी क्या है। वाकई ऐसा है, हर चीज कमजोर। और एक दानिशमंद ने बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा बुढ़ापे में अल्लाह तमाम चीजें कमजोर कर देते हैं, अल्लाह की नेमत है, अगर बाज चीजें कमजोर करते बाज ना करते बड़ा मसला खराब हो जाता। क्यों? बुढ़ापे में निगाहें कमजोर होती हैं, निगाहें क्या हो जाती हैं कमजोर, ताकि हर चीज नजर ना आए, क्योंकि बर्दाश्त की अब वो कुव्वत नहीं। अगर सब कुछ वैसे ही नजर आना शुरू हो जाए ना, क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ गलत भी हो रहा होता है, सब नजर आ गया कि क्या हो रहा है ना मुआशरे में, तो खाम खामे टेंशन लेगा, क्या ख्याल है। वो अल्लाह ताला कहते हैं भाई वो नजर ही नहीं आओगे वो क्या हो रहा है, ठीक है ना, ताकि आराम से अपना बिस्तर पे लेटे रहो। समाज क्या हो जाती है कमजोर, क्योंकि सब अगर समझ में आ गया, सुनाई दे लिया, तो मसला क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा बहू क्या कह रही है, तो ससुर साहब बिटर घूम जाएगा एकदम से। इसी तरह अल्लाह सोचने समझने की सलाहियत भी क्या कर देते हैं कम, बाद अब सुनाई दिया मगर समझ में नहीं आया। फिर दांत कमजोर हो जाते हैं, मैदा दांत कमजोर क्यों होते हैं, क्योंकि मैदा कमजोर हो चुका है, अगर दांत वही रहते ना तो वो मुर्गे उसी तरह खा रहा होता मगर मैदा हजम नहीं कर रहा होता। तो अल्लाह कहते हैं दांत कमजोर कर दो ताकि पतली चीजें खाए, क्योंकि मैदे में अभी वो ताकत नहीं है। सब चीजें अल्लाह एक साथ कमजोर करते हैं। तो ये तमाम चीजें जब कमजोरियां शुरू होती हैं, सफेद बाल होना शुरू, फिर ये वाला पेन, फिर घुटनों का मसला, फिर ये वाला मसला, फिर अब सांस फूलने लगा है,
शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर, ये तमाम चीजें क्या हैं? नजीर जो डरा रही हैं कि ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, बहुत मजे कर लिए, वापस चलो। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। तो वैसे तो वाइट बाल को लेकर था, मेरे भी वाक्य में बहुत ज़्यादा वाइट बाल आने लगे, इवन बियर्ड तक में, दाढ़ी में भी वाइट बाल आने लगे। बट कोई नहीं, मैं इतनी टेंशन नहीं लेता। क्या टेंशन लेके भी, क्या बंदा क्या ही कर लेगा, आ रहे हैं छोड़ो ना यार, क्या क्या आने तो भाई में। मैं सोचता तो फैशन हो गया ये, ब्लैक दाढ़ी में सफ़ेद जो बाल आ रहे हैं ना, फैशन हो गया एक तरह से। मैंने गलती से एक बार कलर करा लिया था, तो कम थे, कुछ कम थे पहले, एक दो तीन चार ही थे, मैंने कलर करा लिया, उसके बाद तो लाइन लग गई। मैंने कहा छोड़ो, अब नहीं करा था कलर लाइफ में, अब तो जो आ रहे हैं आन दो, पूरे वाइट हो जाए तब भी फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है, कलर वाला नहीं कराना। छोड़ दो अब टेंशन, छोड़ो टेंशन फ्री रहो। कितने लोग देखे मैंने मेट्रो में ट्रेवल करे होते, गंजी होते हैं, सर पे एक बाल नहीं होता, वो टेंशन फ्री है, और जवान होते हैं वो, ऐसा नहीं कि भाई उनकी एज हो गई है तो उनके सर के बाल नहीं है। मेरे ऑफिस में ऐसे काफी बंदे हैं, दो बंदे हैं जिनके सर पे बाल नहीं है, बट वो टेंशन फ्री है, उन्हें टेंशन ही नहीं है, उन्होंने वही अपना हेयर स्टाइल बना लिया। इवन हल्के हल्के बाल जो सर पे आते हैं वो हटा देते हैं, नहीं भाई नहीं, क्लीन रखो तो बढ़िया है, अच्छा है, टेंशन ही खत्म एक तरह से, हालात के साथ समझौता। बिल्कुल कर लेना चाहिए, हालांकि इन चीज़ों में जिसका कोई सोल्यूशन नहीं हो उस चीज़ में तो कर लेना चाहिए। लोग क्या देखेंगे, लोग क्या बोलेंगे, इतना नहीं सोचना चाहिए। लोग जो बोल रहे हैं लोगों को बोलने दो, हमें क्या लेना देना लोगों से। अब वो बोलने से चेंज थोड़ा हो जाएगा, या हम खुद नहीं कर सकते उसको चेंज, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। ये है कि क्योंकि पोल्यूशन इतना भर भर के आजकल, तो अपनी डाइट वाइट पे ध्यान दो, थोड़ा जिम विम करो, डाइट लो, अच्छा खासा डाइट खाओ पियो, तो इस चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और आज की वीडियो क्या थी वैसे? मैं आज की वीडियो थी अमेरिका के एक बॉडी बिल्डर को ब्लड कैंसर हो गया, ये आज की वीडियो थी। और मतलब अमेरिका में क्या होता है, हमारे में बिल्कुल सही कहा कि हमारे में ना जो बॉडी बिल्डर होता है उसके पास हजारों काम होते हैं, ये लिया वो लिया, ये टेंशन वो टेंशन, वो काम कह रहे थे, गम कह रहे थे, वो एक तरह से ऐसी टोंट मार रहे थे, वो सिर्फ उनके लिए बोल रहे थे जो सिर्फ बॉडी बिल्डर का काम करते हैं, मतलब उनका उठना बैठना, ये करना वो करना, सारा कुछ उनका बॉडी बिल्डिंग, मतलब उनका ध्यान वहीं पर ही रहता है हमेशा। गम मतलब वो एक तरह से टोंट मार रहे थे, बात वही कह रहे थे, उनके काम कितने ज़्यादा है। अमरीका या यहाँ का कोई बॉडी बिल्डर हो, उसे टेंशन ही नहीं है कि भाई मेरे बच्चे मैन देख रहे हैं, मेरी वाइफ देख रही है, मेरे बुजुर्ग माता पिता देख रहे हैं, उन्हें नहीं परवाह नहीं का, भाई मुझे बॉडी बनानी है, सुबह ये उठूंगा जाऊँगा सोऊंगा खाऊंगा पीऊँगा, बस खाना है, वो नहीं लेते टेंशन इतना। बट यहाँ के बंदे तो भाई बहुत टेंशन है, अरे यार बिजली का बिल भरना है, ये भरना है, वो करना है, ऐसे करना है, कैसे पैसे आएंगे, क्या होगा, बहुत टेंशन है यहाँ पर। तो फ़र्क है जमीना, जो जो फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, वो फिर बॉडी बिल्डिंग कर सकता है इधर। अदरवाइज़ तो नॉर्मल बंदे को इतनी महंगाई में रेट, फ्रूट के रेट सुन के ही बंदा हालत थोड़ी वैसी हो जाती है। तो नॉर्मल बंदे को ऐसा कुछ हेल्थ वेल्थ बनाना तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो यही वीडियो थी आज की, और इस्लामिक बयान चैनल से थी। तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।